कौशाम्बी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के एक युवक ने जबरिया धन का लालच तथा धमकी देकर ईसाई बनाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। शिकायती पत्र मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। पश्चिम शरीरा थाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए सरसवा गाँव निवासी नंदूलाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि पश्चिम शरीरा का रहने वाला एक व्यक्ति उसे सत्संग में ले गया और कहा कि तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है जिसको वो ठीक करा देंगे। यही नहीं, खराब आर्थिक स्थिति देखते हुए उसने 1000 का सहयोग भी किया। उसके बाद इन लोगों ने फतेहपुर के रहने वाले रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर युवक पर घर बुलाकर ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाया। जब युवक ने उनकी बात नहीं मानी तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मामले में तहरीर के साथ थाना पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या मामला है और आज आपने पश्चिम से थाने में किस बात को लेकर तहरीर दिया है? हम इस बात को लेकर दिए हैं क्योंकि हमारे घर जाके धर्म परिवर्तन की बात बताया और सत्संग की बात बताई। जब इसको न स्वीकार करते हुए कहा तो इन्होंने 1000 मुझे रुपए दे दिए और मैंने वो पैसा भी ले लिया। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कुनवार टंकी की मेरी भेंट हो गई, ईसाई धर्म की बात कर दी। उसके बाद इन्होंने जबरन मारने और पीटने की धमकी दी थी, गोली से मार देंगी, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये आपको ईसाई धर्म में शामिल कराना चाह रहे थे क्या? जी जी जी। क्या कह रहे? बोले यीशु मसीह के घर अपना लो, तुमको 1 लाख रुपए दे। उसके बाद मैंने विचार किया तो उन्होंने अपने घर में उड़ान बुला के भागा थे, अपने घर में बैठा रखे थे। जबरन इन्होंने गोली और बारूद की धमकी दी और बोले बहुत नेता मत बनो, नहीं तुमको यहाँ से मेरी सरकार अगर बन गई ना तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? नंदूलाल। कहाँ घर है आपका? सरसा।